आज मैं बनाने जा रही हूँ घोड़ा का सब्जी सुबह सुबह, क्योंकि घोड़ा का सब्जी खाने का मन कर रहा था। सबसे पहले इसमें पचफोरन डाला, फिर हरी मिर्च, सूखी मिर्च, क्योंकि सूखी मिर्च से बहुत ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। फिर मैंने इसमें प्याज ऐड किया, प्याज ऐड, थोड़ा सा प्याज का मात्रा ज़्यादा होगा, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे पूरा। और लहसुन भी इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है, क्योंकि सूखी मिर्च और लहसुन से टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है घोड़ा के सब्ज़ी में। और ऐसे ही चलाते रहना है जब तक थोड़ा सा ब्राउन नहीं हो जाए, फिर उसमें घोड़ा को डाल देंगे और अच्छे से इसको चलाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा सब्ज़ी। जब सब्ज़ी बनेगी तो आप लोग देखिएगा कितना ज़्यादा, मतलब उसमें देखने से ही लगेगा कि कितना टेस्टी है। और हरा वाला जो होता है कोहड़ा, उसका सब्ज़ी अच्छा भी लगता है, पका वाला उतना अच्छा नहीं लगता है, पर ये जो हरा वाला होता है ना, उसका सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होता है। और मैंने ऐसे सुबह सुबह सब्ज़ी बनाना शुरू किया, और थोड़ा सा उसमें हल्दी डालेंगे, फिर धनिया पाउडर डालेंगे, ज़्यादा नहीं, सब कुछ थोड़ा थोड़ा मात्रा में डालना है, नहीं तो फिर उतना टेस्ट नहीं आएगा। फिर गरम मसाला मैंने डाला उसमें, फिर इसको अच्छे से चलाएंगे। अच्छे से अगर नहीं चलाएंगे तो पूरा मसाला मिक्स नहीं होगा, और आँच थोड़ा कम कर देंगे, नहीं तो जल सकता है, क्योंकि मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। और इसकी सूखी सब्ज़ी ही ज़्यादा अच्छी लगती है, और देखिए कितना, देखने से ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसे चलाते रहना है, फिर ऊपर नीचे करेंगे तो और अच्छे से मिल जाएगा। और मेरा सब्जी देखिए अब थोड़ी देर में रेडी होने वाला, और इधर मैंने लाल चाय बैठाया हुआ है, और इधर आटा भी लगा दिया है। और अभी सुबह सुबह लाल चाय ही पीते हैं हम लोग, क्योंकि दूध चाय से बहुत ज़्यादा गैस होता है, और ये चाय सुबह सुबह अच्छी भी लगती है, अदरक गोल मिर्च ये वाली चाय अच्छी लगती है, और हम लोग चाय पीने। हाय गाइस, अभी मेरा सारा काम हो चुका है, और अभी मैं थोड़ी फ्री हुई हूँ सुबह से, तो मैं सोची कि क्यों नहीं थोड़ा आप लोग से बात करती हूँ, क्योंकि काम भी बहुत हो जाता है, सुबह का नाश्ता बनाना, दोपहर का खाना बनाना, फिर रात का खाना बनाना, चाय तो पूछना ही नहीं है चाय कितनी बार बनता है। मैं सोची कि थोड़ा सा आप लोग से फ्री होके बात करती हूँ। तो मेरा तो सारा काम हो चुका है, और अभी जो बाकी है अब वो बाद में होगा। मैं क्या है कि मैं ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट की हूँ, और मुझे रोज़ मतलब सोचना पड़ता है कि मैं क्या डालूँगी, कैसे आप लोग से बात करूँगी, क्योंकि शुरू में इतना समझ में नहीं आता है। और मैं ब्लॉगिंग चैनल खोलने का बहुत दिन से सोच रही थी, लगभग 6 महीने से। देखती तो डेली हूँ, बहुत सारे ब्लॉग्स देखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, पर देखते देखते पता नहीं कब इतना शौक़ हो गया कि मन हुआ कि मैं खुद अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करूँ, और आप लोग के साथ हर चीज़ शेयर करूं। मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और मैं अच्छा अच्छा रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी, और मुझे गाने का भी बहुत शौक़ है, तो कभी कभी गाना भी आप लोग को सुना सकती हूं। और खाना का तो पूछिए मत, हमेशा ही आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जो भी रेसिपी अच्छा बनाऊंगी श्योर शेयर करूंगी अपने चैनल पर। तो ये सारे इंटरेस्ट थे, इसलिए सोची कि क्यों नहीं मैं भी ब्लॉगिंग चैनल खोल सकती हूँ, और ब्लॉगिंग कर सकती हूँ, आप लोग के साथ डेली लाइफ शेयर कर सकती हूँ, क्या करती हूँ, कैसे हर चीज़, ज़्यादा कुछ तो नहीं आता है, जितना कुछ आता है उतना कुछ ही आप लोग के साथ शेयर करूँगी, मुझे भी अच्छा लगेगा, आप लोग देखेंगे, सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, तो और ज़्यादा मेरे को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं अच्छी वीडियो बना पाऊँगी, आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँगी, तो मेरा भी मतलब एक ब्लॉगिंग का शौक़ पूरा होगा कि मैं भी ब्लॉगिंग कर पा रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि ब्लॉगिंग बहुत कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है, बस करते रहो तो आ भी जाएगा ब्लॉगिंग करना, डेली लाइफ दिखाना है, पर वही है कि सोचना पड़ता है कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, पर अच्छा भी लगता है, इसलिए सोचती हूँ, ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कितनी सक्सेस होती हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, आप लोग का साथ होगा, तो पक्का ही अच्छे से ब्लॉगिंग करूँगी, हर चीज़ शेयर करूँगी आप लोग के साथ, जितना कुछ मुझे आता है। और अभी तो ठंडा का मौसम आ रहा है, तो ठंडे के मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा
मतलब अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करूँगी मैं। और ठंडा में क्या है, बहुत कुछ खाने का भी मन करता है, खाना बनाने में भी अच्छा लगता है। तो सारे जितने भी सारे खाने का मैं वीडियो बनाऊँगी अपने चैनल पे, श्योर मैं शेयर करूँगी। और आप लोग देखिएगा, प्यार दीजिएगा। चलिए, ओके, बाय।